चलिए अब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के एक तीसरे महत्वपूर्ण सिद्धांत को यहाँ समझते हैं, जिसे हम कहते हैं जब्लोंस्की डायग्राम। ये एक्साइटेड स्टेट में होने वाली विभिन्न प्रक्रमों को दर्शाने वाला एक ग्राफ होता है। जब जैसे हमारा कोई मॉलिक्यूल है, ये लाइट से एनर्जी लेता है, तो ये कहाँ चला जाता है? हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट में चला गया, है ना। तो जब किसी अणु के द्वारा कोई एक फोटोन या एक क्वांटा एनर्जी अवशोषित की जाती है, तो वो रासायनिक रूप से सक्रिय हो जाता है और एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। चूंकि एक्साइटेड स्टेट में इसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा है, इसलिए ये अनस्टेबल होता है, इसलिए वो वापिस से अपनी ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है। और इस दौरान इसमें विभिन्न प्रकार की पॉसिबल प्रोसेस होती हैं, जिन्हें हम जब्लोंस्की डायग्राम से यहाँ बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसके द्वारा हम फॉस्फोरेंस, फ्लोरोसेंस आदि को भी आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जब्लोंस्की डायग्राम के बारे में समझना शुरू करने के पहले हम कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स को यहाँ समझते हैं, जो हम बार बार यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पिन स्टेट की। तो स्पिन स्टेट क्या होती है? तो हम जानते हैं कि जो ग्राउंड स्टेट होती है, उसमें मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर के फॉर्म में रहते हैं। तो यदि आप इसका स्पिन निकालेंगे, तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है वो उसका स्पिन होगा प्लस हाफ, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है उसका स्पिन होगा माइनस हाफ। और किसी अणु की किसी अवस्था में उसकी कुल इलेक्ट्रॉन स्पिन को बताने के लिए हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी का यूज करते हैं, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी को 2s प्लस 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यदि हम मूल अवस्था में जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी को देखें, तो देखिए ये जो कैपिटल S है, ये टोटल स्पिन को बताता है। तो टोटल स्पिन क्या होगा? एक का स्पिन है प्लस हाफ और दूसरे का स्पिन क्या है? माइनस हाफ। यानी कि कैपिटल S की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। यानी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन का टोटल स्पिन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और उस कंडीशन में यदि आप इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे, तो वो कितनी निकलेगी? 2s प्लस 1, यानी कि 2 इंटू 0 प्लस 1, यानी कि 1। तो हम कहते हैं कि यहाँ स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आई? 1। यानी कि ग्राउंड स्टेट में अणु अपनी सिंगलेट स्टेट में होता है, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी कितनी है? 1 है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? सिंगलेट स्टेट। तो जब मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में होता है और इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, तब उसे हम कहते हैं उसकी सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। इसे हम एस जीरो से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? एस जीरो से। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मान लीजिए सिंगलेट स्टेट में पेयर्ड के फॉर्म में है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं? उसको लाइट दे रहे हैं, उसको फोटोन दे रहे हैं। तो फोटोन देने पर दो कंडीशन हो सकती है। क्या कंडीशन हो सकती है, इसको समझते हैं हम जरा। यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, अब हमने इसको क्या दिया? इसको एक फोटोन दिया। फोटोन देने से ये कहाँ चला गया? हायर एनर्जी लेवल में चला गया। तब यदि इसका हायर एनर्जी लेवल हम इस तरीके से शो करें कि ये इसकी ग्राउंड स्टेट है और ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है, तो दो कंडीशन हो सकती है। हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन के स्पिन कैसे हो जाए? पैरेलल हो जाए। या एक कंडीशन और ऐसी हो सकती है कि हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन के स्पिन कैसे हो जाए? एंटी पैरेलल हो जाए। ठीक है, हमारे पास ये ग्राउंड स्टेट थी, हमने इसको क्या दिया? एक फोटोन दिया। फोटोन देने से क्या हुआ? उसकी एनर्जी बढ़ी, तो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में गया। तो जब वो हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, तो यहाँ दो कंडीशन पॉसिबल है। हो सकता है उसका स्पिन चेंज हो जाए, तो दोनों के स्पिन कैसे हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। और हो सकता है स्पिन कैसा हो? चेंज ना हो, तो उस कंडीशन में इनके स्पिन कैसे होंगे? एंटी पैरेलल होंगे। तो हम पहली कंडीशन लेते हैं, जब स्पिन कैसे है? पैरेलल है। तो स्पिन पैरेलल है, तो देखिए इसके लिए S1 की वैल्यू, यानी पहले इलेक्ट्रॉन के लिए यदि हम स्पिन निकालें तो कितना होगा? प्लस हाफ। और यदि दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन निकालें तो वो भी क्या होगा? प्लस हाफ, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो इसका टोटल स्पिन क्या होगा? S1 प्लस
एस टू यानी कि प्लस हाफ और प्लस हाफ, टोटल हो गया वन। और उस कंडीशन में इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, टू एस प्लस वन यानी टू इंटू वन प्लस वन, तो ये कितना हो गया थ्री। तो यहाँ स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन बहुकता कितनी आती है, थ्री आती है, जो बताता है कि मॉलिक्यूल ट्रिपलेट स्टेट में है। इस स्टेट को क्या कहा जाता है, ट्रिपलेट, त्रिक अवस्था, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, त्रिक अवस्था। तो त्रिक अवस्था को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ देखिए मैंने इसके एक्साइटेड लेवल बनाए हैं और यहाँ पर टी से शो किए हैं, तो ये उसकी ट्रिपलेट स्टेट है। अच्छा चलिए अब दूसरे कंडीशन की बात करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का स्पिन चेंज नहीं हुआ। तो उस कंडीशन में यदि हम इसके लिए स्पिन देखें, तो पहले का स्पिन होगा प्लस हाफ और दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में है तो कितना होगा, माइनस हाफ। और इस कंडीशन में टोटल स्पिन होगा एस वन प्लस एस टू यानी कि प्लस हाफ और माइनस हाफ यानी कि जीरो। तो हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s प्लस 1 होगी यानी 2 इंटू जीरो प्लस 1 यानी कि वैल्यू कितनी आ गई, 1। यानी कि यहाँ पर अब जो स्टेट मिलेगी उसकी मल्टीप्लिसिटी 1 है, यानी कि ये सिंगलेट स्टेट में है। यानी कि अब हमें जो ये स्टेट मिल रही है जिसमें दोनों के स्पिन कैसे हैं, एंटी पैरेलल है, उस स्टेट को हम एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट बोलेंगे, उत्तेजित एकक अवस्था। तो यहाँ पर जो S1, S2, S3 बनाई हुई है ये उसकी डिफरेंट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक्साइटेड स्टेट कई प्रकार की हो सकती है, वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट हो सकती है या ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट हो सकती है। तो यहाँ देखिए मैंने ये इसकी ग्राउंड स्टेट बनाई हुई है जो हमेशा सिंगलेट स्टेट में ही होगी, पर एक्साइटेड स्टेट सिंगलेट भी हो सकती है और ट्रिपलेट भी हो सकती है, जिन्हें S1, S2, S3 से रिप्रेजेंट किया है सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट को, और T1, T2, T3 से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट को। अब हम समझने की कोशिश करते हैं जेब्लॉन्स्की डायग्राम को। तो हम जानते हैं कि तरंग यांत्रिकी में बताया गया है कि जो आणविक ऑर्बिटल होता है, मॉलिक्यूल का जो ऑर्बिटल होता है उसकी जो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट होती है, यहाँ आप देख रहे हैं कि जो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी थोड़ी सी कम है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया है, दोनों को एक ही एनर्जी लेवल में क्यों नहीं रखा है। तो ऐसा इसलिए होता है कि सिंगलेट स्टेट में दोनों के स्पिन कैसे है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, जबकि ट्रिपलेट में यदि बात करें तो दोनों के स्पिन कैसे है, एक ही डायरेक्शन में है। तो वो क्या करते हैं, हमेशा ट्रिपलेट स्टेट में चूंकि उनके स्पिन एक ही डायरेक्शन में है इसलिए वो एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करते हैं, और जब वो एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करते हैं तो जब वो दूर रहेंगे तो उनके बीच रिपल्शन भी कैसा होगा, कम होगा। यानी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम तो मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसलिए ट्रिपलेट स्टेट में मॉलिक्यूल की एनर्जी थोड़ी सी कम होती है, जबकि उसी संगत अवस्था में जो मॉलिक्यूल की एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट होती है उनकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है। तो हमेशा यदि हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो जो ES1 होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, किसके कंपैरिजन में, उसकी ट्रिपलेट स्टेट के कंपैरिजन में। इसी तरीके से दूसरी अवस्थाओं में हम देख सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा जो मॉलिक्यूल है उस पर हमने क्या किया, फोटोन डाला, तो उसने उस फोटोन को एब्जॉर्ब किया और वो कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ये एक्साइटेड स्टेट उसकी सिंगलेट स्टेट भी हो सकती है या उसकी ट्रिपलेट स्टेट हो सकती है। अब वो जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है तो वो अनस्टेबल है, अनस्टेबल है इसलिए वापस से स्टेबल होने की कोशिश करेगा और कम एनर्जी लेवल में आएगा। तो इस प्रोसेस के दौरान जब
मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट से अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है तो कई प्रकार के हमको यहाँ पर प्रोसेस देखने मिलते हैं। उनमें से कुछ जो प्रोसेस है वो रेडिएटिव होती है, जिन्हें हम रेडिएटिव डिके कहते हैं, और कुछ जो होती है वो नॉन रेडिएटिव होती है। तो रेडिएटिव डिके में रेडिएशंस निकलते हैं, यानी कि जो एनर्जी है वो रेडिएशन के फॉर्म में निकलेगी, जबकि नॉन रेडिएटिव डिके में जो एनर्जी होगी वो रेडिएशन के फॉर्म में नहीं निकलेगी। रेडिएटिव डिके भी दो प्रकार के होते हैं, फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेंस, प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति, जबकि जो नॉन रेडिएटिव डिके हैं ये तीन प्रकार के होते हैं, एक इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, दूसरा इंटरनल कन्वर्जन और तीसरा वाइब्रेशनल मोशन, है ना। तो इस तरीके से हमको कई प्रकार की यहाँ पर प्रोसेस देखने को मिलेंगी। चलिए हम एक एक प्रोसेस को यहाँ डिटेल से देखते हैं कि किस तरीके से हमको डिफरेंट फिनोमिनन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जब कोई मॉलिक्यूल अपनी एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है, मान लीजिए कि वो S2 या S3 स्टेट में है या T2 या T3 स्टेट में है, तो इससे पहले कि कुछ रासायनिक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया घटित हो या कुछ अन्य अभिक्रियाएं घटित हो, तुरंत ही वहां कुछ घटनाएं बहुत ही तीव्र गति से होती हैं, जिसमें कि मॉलिक्यूल अपनी कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी को खो देता है, और ये एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में नहीं होती, इसलिए उसे रेडिएशन लेस डिके या नॉन रेडिएटिव डिके या नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन कहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं ये नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन क्या होते हैं। नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन के अंतर्गत दो प्रकार के ट्रांजिशन होते हैं, जिसमें मॉलिक्यूल अपनी ऊर्जा का कुछ पार्ट खो देता है। पहला होता है इंटरनल कन्वर्जन यानी आंतरिक परिवर्तन, और दूसरा होता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग यानी कि माध्य तंत्र क्रॉसिंग। तो प्राथमिक प्रक्रम में अणु मूल अवस्था से उत्तेजित होकर उच्च उत्तेजित अवस्था में गया, यानी कि S2, S3 या T2, T3 में गया, परंतु वहां पर उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, इसलिए वो तुरंत ही लगभग 10^-11 सेकंड से भी कम समय में दूसरे अणु से टकराकर या किसी भी प्रकार से ऊर्जा खोकर तुरंत अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आना चाहता है, यानी कि वो या तो S1 पर लौटता है या T1 पर लौटता है, और इस संक्रमण के दौरान किसी भी तरीके के रेडिएशन का उत्सर्जन नहीं होता, इसलिए इन्हें रेडिएशन लेस या नॉन रेडिएटिव डिके कहते हैं। तो ऐसे नॉन रेडिएटिव डिके जिसमें हायर एक्साइटेड स्टेट से यदि वो सिंगलेट स्टेट है तो सिंगलेट पर आ रहा है, यदि वो ट्रिपलेट स्टेट पर है तो फर्स्ट ट्रिपलेट स्टेट पर आ रहा है, मतलब सेम मल्टीप्लिसिटी वाली अवस्थाओं के बीच जब संक्रमण होता है तो उसे हम कहते हैं इंटरनल कन्वर्जन। तो देखिए, इंटरनल कन्वर्जन में आपका जो मॉलिक्यूल है वो यदि वो S3 है तो S3 से S2 पर और S2 से S1 पर आएगा, ठीक। यदि वो T2 पर है तो T2 से T1 पर आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरनल कन्वर्जन हो रहा है। यदि वो सिंगलेट स्टेट में है तो हायर एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से लोअर एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में आ रहा है, यदि वो हायर ट्रिपलेट स्टेट में है तो वो अपनी लोअर ट्रिपलेट स्टेट में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरनल कन्वर्जन हो रहा है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, इंटरनल कन्वर्जन। और इंटरनल कन्वर्जन के दौरान देखिए किसी भी प्रकार का रेडिएशन नहीं निकल रहा है। अब बात करते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग की। तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में जो मॉलिक्यूल होता है वो अपनी एक्साइटेड स्टेट से उसी अवस्था वाली दूसरी एक्साइटेड स्टेट जिसमें कि उसकी मल्टीप्लिसिटी चेंज हो जाती है उसमें कूद जाता है, यानी कि वो यदि सिंगलेट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में है तो वहां से वो उसी अवस्था वाली यानी सेकेंड स्टेट में है तो T2 स्टेट में, S2 से T2 या S1 से T1 में संक्रमण होता है। तो ये संक्रमण भी देखिए एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हो रहे हैं, एक स्पिन मल्टीप्लिसिटी वाली एक्साइटेड स्टेट से दूसरी मल्टीप्लिसिटी वाली एक्साइटेड स्टेट में संक्रमण हो रहा है, इसलिए इसे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहते हैं। और ये जो क्रॉसिंग है बहुत ही स्लो होती है,
वास्तव में सिंगलेट से ट्रिपलेट स्टेट में ट्रांजिशन, यदि हम इसकी प्रायिकता देखें, प्रोबेबिलिटी देखें, तो ये फॉरबिडन है, होते नहीं है, पर थ्योरेटिकली तो ये नहीं होना चाहिए, पर प्रैक्टिकली ये कभी कभी हो जाते हैं और ये अमान्य नहीं है, मतलब हो सकते हैं, पर ये बहुत ही स्लो होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि S2 से T2 की ओर जो है मॉलिक्यूल जा रहा है, तो एक सिस्टम से क्रॉस करके दूसरे मल्टीप्लिसिटी वाले उसमें एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के दौरान भी किसी भी तरीके का रेडिएशन नहीं निकलता, तो ये दोनों कन्वर्जन क्या है, नॉन रेडिएटिव डिके कहलाते हैं। अब बात करते हैं रेडिएटिव ट्रांजिशन की। तो जब एक्साइटेड स्टेट से मॉलिक्यूल अपनी लोअर स्टेट में आता है, तो उस दौरान वो इस तरीके से भी अपनी एनर्जी खोता है जो रेडिएशन के फॉर्म में होती है। वो कब खोता है, वो तब खोता है जब हमारा मॉलिक्यूल लोअर एक्साइटेड स्टेट यानी कि S1 से S0 पर आए, या फिर T1 से S0 पर लौटता है। यानी कि जब वो लोअर एक्साइटेड स्टेट से अपनी मूल अवस्था ग्राउंड स्टेट में लौटता है, तो इस दौरान वो रेडिएशन के फॉर्म में अपनी एनर्जी खोता है और हमें रेडिएटिव ट्रांजिशन मिलते हैं। ये ट्रांजिशन दो प्रकार के होते हैं, एक फ्लोरोसेंस और एक कहलाता है फॉस्फोरेंस। तो देखें, ये फ्लोरोसेंस यानी प्रतिदीप्ति क्या है और फॉस्फोरेंस यानी स्फुरदीप्ति किसे कहते हैं। जब कोई मॉलिक्यूल अपनी हायर एनर्जी वाले एक्साइटेड स्टेट से नॉन रेडिएटिव डिके के रूप में एनर्जी लॉस करके उसके S1 स्टेट में जाता है, तो अपनी S1 स्टेट से जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट S0 पर आता है, तो उस दौरान वो रेडिएशन निकालता है, विकिरणें उत्सर्जित करता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लोरेसेंस कहते हैं। यानी कि जब मॉलिक्यूल S1 से S0 में आता है और अपनी एनर्जी को निकालता है, तो उसे फ्लोरेसेंस यानी प्रतिदीप्ति कहा जाता है। S1 से S0 अवस्था के संक्रमण में लगभग 10^-8 सेकेंड का समय लगता है ना, तो बहुत कम समय, 10^-8 सेकेंड का समय लग रहा है। और फॉस्फोरेंस क्या है, तो फॉस्फोरेंस में आप देख सकते हैं कि जब मॉलिक्यूल अपनी एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट T1 से अपनी मूल अवस्था अपनी ग्राउंड स्टेट S0 में लौटता है, तब भी वो अपनी एनर्जी को रेडिएशन के फॉर्म में निकालता है। तो इस समय जो प्रक्रम, जो घटना यहाँ पर हो रही है, उसे हम कहते हैं फॉस्फोरेसेंस यानी कि स्फुरदीप्ति। और स्फुरदीप्ति भी कैसा है, एक रेडिएटिव डिके है। ठीक है, वास्तव में यदि हम ट्रांजिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी देखें, तो ये वाला ट्रांजिशन जहां टी से एस यानी मल्टीप्लिसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ये वाला ट्रांजिशन भी फॉरबिडन है, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेक्शन रूल है जिसके अनुसार डेल्टा एस की वैल्यू 0 होना चाहिए, वो नहीं होती। यहाँ डेल्टा एस की वैल्यू आपको 0 नहीं मिलेगी, पर फिर भी ये ट्रांजिशन प्रैक्टिकली होते हैं, पर इनकी स्पीड जो है वो बहुत स्लो होती है। यही कारण है कि स्फुरदीप्ति यानी फॉस्फोरेसेंस का जो समय होता है वो काफी लंबा होता है, और ये समय लगभग 10^-3 सेकंड के आसपास से लेकर कई घंटों तक का हो सकता है। यानी कि स्फुरदीप्ति में जो आपका पदार्थ है वो बहुत लंबे समय तक विकिरणें उत्सर्जित करता है। तो इस तरीके से ये जेब्लोंस की डायग्राम है, जिसकी सहायता से हम किसी मॉलिक्यूल की एक्साइटेड स्टेट में होने वाली विभिन्न घटनाओं को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं।